तो जय हिंद दोस्तों, मैं बिशम शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में, और द फैमिली एपे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपको नोएडा एक्सटेंशन के अंदर सैनी सोनपुरा में एक साइड विजिट कराएंगे, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। इस वीडियो करने का मकसद सिंपल सा है कि मैं आपको उसका डेवलपमेंट दिखा सकूँ कि एक डेढ़ महीने पहले क्या थी और साइड में अब क्या चेंजेस आ चुके हैं, और लोकेशन वगैरह पूरी क्लियर करूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये वो साइड है नेचर वैली के नाम से, और मैं आसपास की आपको लोकेशन दिखाऊं। तो ये फ्यूचर में आपका 40 फीट का रोड है आपका, और सामने ये 130 मीटर रोड से आ रहा है, और 500 मीटर की दूरी पर यह लोकेशन पड़ जाती है आपकी। और सामने दिखाऊँ तो सेक्टर 12 जहाँ पर 6% अथॉरिटी के प्लॉट हैं, और ये सीधा सैनी सोनपुरा विलेज की तरफ चला जाता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। और ये जो आप एंट्री देख रहे हैं 24 फीट की रहने वाली है, और इसके अंदर जो आपको रोड साइज देखने को मिलेगा 24, 22 और 20 फुट, ये चीज़ आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। और आसपास देखें तो इसमें कुछ फैमिलियाँ रह रही हैं, और रोड से सीधा कनेक्टेड है ये आपका। और मैं आगे अंदर दिखाता हूँ आपको, और ये जो आप रोड देख रहे हैं इसके अंदर आपको नाली, और ये आपको ब्लैक रोड आपको मिलेगी। इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको टेम्पल और चिल्ड्रन पार्क आपको दिया जाएगा साथ के साथ। इसके अलावा पार्क की बात करूं तो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे आपका नोएडा स्टेशन का सबसे बड़ा पार्क है डी पार्क। और सामने जो देख रहे हैं आपके 60 गज के इंडिपेंडेंट हाउस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और ये पूरी साइड है आपकी, ये जो 60 गज के मकान हैं, पहले इनकी जो कीमत थी वो आपकी 26 लाख थी, अब इसमें 3 बचे हैं, 2 सेल आउट हो चुके हैं, और अब जो इसकी कीमत हो चुकी है वो 28 लाख हो चुके हैं, मतलब 28 लाख रुपये में आपको मिलने वाला है। और इसमें 80% आपका लोन हो जाएगा, प्लॉट पे आपका 50% आपको लोन मिल जाएगा इसके ऊपर। और इसमें अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो प्लॉट साइज़ जो आपको इसमें मिलेगा वो मिनिमम साइज़ जो मिलेगा आपको 60 गज मिलेगा। अब इसमें आपका 70% तक प्लॉट सोल्ड आउट है, बाकी जो बचता है इसमें 30% करीब आपको माल बचता है, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से गूगल डाटा सेंटर आपको बिल्कुल सामने आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी साइड आपकी पूरी गेटेड रहने वाली है, CCTV कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ये चीज़ें आपको प्रॉपर इसमें मिलने वाली है। और बाकी मैं आपकी अंदर से आपको ये दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अब ये जो मैं आपको साइड दिखा रहा हूँ इसमें अगर मैं पहले बात करूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो प्लॉट प्राइस था वो 20,000 रुपये का रेट था, जो कि आज की डेट में 25,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से आपको यहाँ पर प्लॉट प्राइस देखने को मिलता है। चीज़ें मतलब रेट बढ़ते जा रहे हैं टाइम अनुसार। और बाकी जैसे मैंने बताया था आपको मकान का, तो ये भी आपको 26 लाख रुपए में मिल रहा था, जड़ से मकान मिल रहा था 60 गज का, जिसमें आप 2 मंजिल और ऑप्शन था बनाने का, तो ये भी इसकी कीमत 28 लाख रुपए हो चुकी है। और बाकी आपको प्लॉट साइज़ में भी आपको कुछ मिल जाएंगे देखने को, देखना चाहे तो। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया था इसमें 80% लोन आपका इंडिपेंडेंट हाउस पर हो जाएगा, और 50% आप प्लॉट पर भी ले सकते हैं। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी है आपकी, और इसमें आपको रजिस्ट्री म्यूटेशन ये चीज़ आपको मिल जाएंगी प्रॉपर। और बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साइड विजिट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये 60 गज का घर दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें आपको बना के दिया जा रहा है। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 60 गज का इंडिपेंडेंट हाउस है, और इसकी बात करूँ फ्रंट की, तो फ्रंट आपका जो इसमें रहने वाला है वो 15 का, और डेप्थ जो रहेगी इसकी गहराई जो रहेगी 36 की रहने वाली है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको फ्रंट में, आपको ये आपको पार्किंग मिल जाएगी, बाइक पार्किंग मिल जाएगी आपको, तो यहीं से आपको ऊपर जाने टेरेस पे जाने के लिए जीना मिल जाएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, एक रूम भी आपको मिल जाता है, तो एक रूम आपको ये मिल जाएगा इसके अंदर। और अंदर चलते हैं हम, तो अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस आपको ये मिल जाता है। ये आपका किचन रहने वाला है इसमें, तो ये आपका इसमें किचन रहेगा, और ये साथ में आपका वॉशरूम रहने वाला है, और इसके साथ ये वेंटिलेशन के लिए आपको ऊपर से दिया हुआ है। और रूम के अंदर लाइट नहीं है तो प्रॉपर आपको ये दिखा पाऊँगा, एक रूम आपको ये मिल जाता है इसमें, तो 60 गज के अंदर आपको ये मिल जाता है। और ऊपर चलते हैं यहाँ से टेरेस की तरफ, टेरेस पर आपको दिखा देता हूँ। ऊपर भी आपको मोंटी पे आपको पत्थर लगा के दिए हैं, और ये आपको छत मिल जाती है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नेचर वैली आपको किस तरीके दिखती है। तो ये है आपकी नेचर वैली के नाम से डेवलप हो रही है आपकी साइड, ये आपका चिल्ड्रन पार्क रहने वाला है, और यहीं पर आपका टेंपल आने वाला है। और सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो गूगल डाटा सेंटर आपको सामने ही दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये पूरा बसे हुए एरिया के साथ में ही जो डेवलप हो रही है नेचर वैली, तो ये देख रहे हैं आप आसपास पूरा बसा हुआ एरिया है ये आपका। और ये आप इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं 60 गज के,
अब मैं इस लोकेशन से कुछ ऐसी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से आपका गौर सिटी सिर्फ आप 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, और परी चौक यहाँ से आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं परी चौक पहुँचने में, और बाथरूम मारीपत रेलवे स्टेशन यहाँ से आपका 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मारीपत रेलवे स्टेशन है, और मेट्रो मेट्रो आपकी 130 मीटर रोड पे अपकमिंग में, बाकी ऑटो वगैरह ओला सर्विस ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये साइड थी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको जानकारी रह जाती है तो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।